हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस गुड BS6 जो डीजल वाली गाड़ी है उसके व्हीकल स्पीड सेंसर यानी VSS सेंसर, ठीक है, व्हीकल स्पीड सेंसर का पूरा वायरिंग डायग्राम, उसका कलर कोड, उसका जो सेंसर है वो कैसे काम करता है, कैसे सिग्नल प्रोवाइड करता है ECU को, ठीक है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि व्हीकल स्पीड सेंसर के पास जो पॉजिटिव जाता है ना वो बहुत घूम घूम करके जाता है, इसीलिए ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम सीधा बैटरी से शुरू करते हैं। ये हमारा EMS रिले है, ये व्हीकल स्पीड सेंसर है, ये उसका पिन है, और ये EMS और ये बैटरी, ओके। तो बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है ना, ये डायरेक्ट चला गया है चेसिस में, ठीक है, ये चेसिस में चला गया है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिएगा बैटरी बॉक्स के पास एक फ्यूज बॉक्स होगा, ठीक है, और फ्यूज बॉक्स में तीन फ्यूज लगा होगा, ठीक है, एक होगा 60 एम्पियर का, एक होगा 400 एम्पियर का, और एक होगा 60 एम्पियर का, ठीक है। ये 400 एम्पियर और 60 एम्पियर ये दोनों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है व्हीकल स्पीड सेंसर का, ठीक है। इस बोर्ड का पूरा वायरिंग डायग्राम, पूरा गाड़ी का जितना भी वायरिंग होता है ना, डैशबोर्ड वायरिंग, ये सारा कुछ पे ऑलरेडी वीडियो बन गया है, 7 पार्ट में वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख लीजिएगा, पूरा और अच्छा से क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बैटरी से जो वायर गया है ना फ्यूज में, ये इसका कलर है रेड कलर का वायर, ठीक है, लेकिन जो फ्यूज से बाहर निकल रहा है वो है रेड पे येलो कलर का वायर, ठीक है, रेड पे येलो कलर का वायर। और ये 60 एम्पियर का फ्यूज है, और फ्यूज पे लिखा होगा EMS ACC इग्निशियन, ठीक है, EMS ACC IGN, ठीक है, इग्निशियन स्विच, ठीक है, ये लिखा होगा फ्यूज बॉक्स के ऊपर। और यहीं से दो वायर निकलता है, एक ही वायर से दो वायर निकलता है जो रिले का पिन नंबर 30 और 86 में जाता है, ठीक है। अब रिले कैसे काम करता है आप अगर नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो ऑलरेडी इस पे बना हुआ है, प्रैक्टिकल वीडियो, मैंने बैटरी से रिले को ऑपरेट करके बताया है कि इसमें कैसे मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है और ये कैसे पिन नंबर 30 को 87 से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ रिले के बारे में, ठीक है। रिले देखिए, रिले में क्या है, पिन नंबर 86 और 85 ये दोनों क्वाइल से जुड़ा रहता है, और 85 में ग्राउंड और 86 में पॉजिटिव, जैसे ही जाता है क्वाइल में, जैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव जाता है, ये क्वाइल क्या करता है, ये पिन नंबर 30 को 87 से कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करता है, पिन नंबर 30 में पॉजिटिव या निगेटिव दे देता है, तो अगर पॉजिटिव दे दिया तो जैसे ही क्वाइल काम किया तो पिन नंबर 30 में पहले से पॉजिटिव है, अब ये क्या करेगा, पिन नंबर 87 को वही पॉजिटिव दे देगा और यहाँ से फिर से पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये काम करता है रिले, ठीक है। तो रिले में जो दोनों पिन में करंट जा रहा है उस वायर का कलर है रेड पे येलो कलर का वायर, ठीक है, रेड पे येलो कलर का वायर। और 85 में ग्राउंड आता है ECU से, ठीक है, ECU से ग्राउंड आता है, ECU का की कनेक्टर का पिन नंबर 19, ठीक है। ECU जो है वो बॉस का ECU लगा हुआ है, ECU में दो कनेक्टर लगा हुआ है, एक का नाम है की और एक का नाम है ए, ठीक है। तो की कनेक्टर का पिन नंबर 19 से ग्राउंड आता है 85 में, ठीक है, और चाबी जैसे ही ऑन किया जाता है ना तभी यहाँ पे ग्राउंड आता है, और ये चाबी जैसे ऑन होता है तब यहाँ 87 से पॉजिटिव निकलता है और डायरेक्ट चला जाता है, देखिए डायरेक्ट नहीं, एक फ्यूज, ठीक है, एक फ्यूज लेकर के जाता है यहाँ पे, एक नंबर जो पिन है इसमें, ठीक है, ये वोल्टेज का पिन है, ठीक है, यहाँ वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई होता है पिन नंबर 1 में। और ये फ्यूज अगर कट जाता है ना तो आपका व्हीकल स्पीड सेंसर काम नहीं करेगा, और फ्यूज पे लिखा होगा, फ्यूज जो है ना इस पे यहाँ से ना बहुत जगह करंट जाता है, 15 या 16 जगह करंट जाता है इस फ्यूज से, अगर कहीं भी शॉर्ट होगा तो यही फ्यूज कटेगा, ठीक है। तो इस फ्यूज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे लिखा होगा UQS यानी यूरिया क्वालिटी सेंसर, और DIAG यानी डायग्नोस्टिक का जो कनेक्टर होता है ना वहाँ भी करंट यहीं से जाता है, ठीक है। BSS व्हीकल स्पीड सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर, रिले क्वायर, ठीक है, इतना सारा चीज इस पर देखिए, ये जाता है बहुत जगह है, ठीक है, अब सारा जगह का तो नाम नहीं लिखा जा सकता, इतना जगह भी चाहिए वहाँ फ्यूज बॉक्स पे, इसीलिए कुछ चीज़ का नाम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये बहुत जगह जाता है। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखिएगा EMS रिले के बारे में तो पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ यहाँ से करंट जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रेड कलर का वायर होता है और पिन नंबर 1 में आता है व्हीकल स्पीड सेंसर का। और ये हो गया हमारा ECU का कनेक्टर के, ठीक है, के कनेक्टर, यहाँ से 28 पिन नंबर 28 से एक वायर जाता है जो पिन नंबर 2 में लगता है, ओके। और इस वायर का कलर है ब्लू पे रेड कलर का वायर, ठीक है, ब्लू पे रेड। और ये है आउटपुट सिग्नल, ठीक है, आउटपुट सिग्नल यानी जैसे ही गाड़ी का पिकअप, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी यहाँ से एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा इस वायर के थ्रू पिन नंबर 28 को, ठीक है। तो और 3 नंबर जो है ना ये ग्राउंड का वायर है, ठीक है, यहाँ पे परमानेंट ग्राउंड रहता है और इसका कलर होगा ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर का वायर होगा, ब्राउन कलर का जो जहाँ भी आपको वायर मिले वो ग्राउंड, वो मैक्सिमम ग्राउंड ही होता है, ठीक है, टाटा मोटर में ब्राउन कलर का वायर ग्राउंड होता है यानी अर्थिंग होता है, ठीक है। तो ये है हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर का पूरा वायरिंग। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस गोल्ड का जितना भी आप सेंसर देख रहे हैं ना, जो भी जो कुछ भी इस गोल्ड में लगा हुआ है सबके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो आप चैनल में जाकर देखिए, बहुत